अगर आपको टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते ही आपकी वीडियो म्यूटेड हो जाती है, यानी आपका वीडियो पर जो म्यूजिक होता है वो म्यूट कर दिया जाता है, तो इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का 100% सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो अपलोड करने के लिए अपनी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं जल्दी से इसको टाइटल टैग वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो म्यूटेड हो जाएगी, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए पहले ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। आप वीडियो गौर से देखें, आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं। Who can see this post को मैं everyone रखूंगा। More option से allow high quality uploads को भी मैं on रखूंगा। अगर आपको ये option नहीं आ रहा तो channel पे जाकर मेरी videos देख लें, आपको इसका solution मिल जाएगा। इसके बाद I accept the music usage confirmation को check करके post पर click कर देंगे। Video मेरी upload हो चुकी है। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखना मेरी वीडियो से सॉन्ग म्यूटेड हो जाएगा। नीचे लिखा देख सकते हैं कि मेरा म्यूजिक 1 मिनट में ही म्यूटेड हो चुका है, यानी जो मेरा म्यूजिक था वो म्यूट कर दिया गया है। ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब मैं इसी सॉन्ग को इसी वीडियो को फिर से अपलोड करूँगा और फिर देखना मेरा ये सॉन्ग भी म्यूट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले एक काम कर लें, प्रोफाइल में जाएं और ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक कर लें। इसके बाद मौजूद ऑप्शन से अकाउंट पर क्लिक कर लें और यहाँ थर्ड ऑप्शन स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करें और अपने अकाउंट को बिजनेस से पर्सनल अकाउंट पर ले आएं। इससे आपके अकाउंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ स्विच एनीवे पर क्लिक करें, यूं आपका अकाउंट पर्सनल हो जाएगा। अब बैक जाएं, मैं इस वीडियो को डिलीट करके दोबारा इस वीडियो को एक छोटी सी ट्रिक लगाकर अपलोड करूंगा। मैं दोबारा मोबाइल गैलरी से उसी वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां शुरू में ही ट्रिक को अप्लाई करते हैं। यहां ऊपर बने इस ऐड साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट करें। मैं यहां इस पहले वाले म्यूजिक को ही सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन यानी एडिट सॉन्ग को हम 0 की तरफ लेके जाएंगे और 1% पर सेट कर लेंगे। और इसी तरह ऊपर ओरिजिनल हमारी वीडियो के सॉन्ग को हम बढ़ाकर 100 से 200 तक ले जा सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा सा ही बढ़ाऊंगा। ये आप पर आपके म्यूजिक पर डिपेंड करता है कि सुनने में कितना ज्यादा वॉल्यूम बेस्ट रहेगा, आप उतना ही वॉल्यूम को सेट कर दें। इसके बाद डन पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट करके टाइटल टैग सब कुछ जो आप नॉर्मल करते हैं वैसे ही अपलोड कर दें। मैंने यहाँ वीडियो को अपलोड कर दिया है। अब मैं आपके सामने इस वीडियो को कुछ टाइम बाद भी प्ले करके बताऊंगा मेरी वीडियो से सॉन्ग म्यूट या रिमूव नहीं हुआ। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, मेरी व्यूज भी देख सकते हैं। आप टिकटॉक की इस आईडी को विजिट करके सॉन्ग भी सुन सकते हैं। जो पहले रिमूव हो जाता था अब रिमूव नहीं हो रहा। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ये वाली टेंशन तो दूर हुई होगी। मजीद टिकटॉक की ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।